नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। 18 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी मामले में पूजा के अधिकार को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उस पूरे मामले में आज फैसला लिया जाएगा। आज 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्ष लगातार अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है, लेकिन उसके पहले नजर डालिए इस खास रिपोर्ट पर। 18 अगस्त 2021, 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया। इस केस में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव का कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की टाइमलाइन। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की टाइमलाइन। 1809, मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर दंगे हुए। 1984, धर्म संसद हिंदू पक्ष का अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा। 1991, कोर्ट में याचिका दायर और मस्जिद को ढहाने की मांग। 1998, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक। 2019, कोर्ट में एएसआई से मस्जिद का सर्वे कराने वाली याचिका दायर। 2020, मस्जिद कमेटी ने इस याचिका का विरोध किया। 18 अगस्त 2021, मस्जिद परिसर में पूजा की मांग। 5 महिलाएं रोजाना पूजा की मांग करते हुए कोर्ट पहुंची। 26 अप्रैल 2022, सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश दिए। 6 मई 2022, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। बता दें, निचली अदालत ने मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी। हिंदू पक्ष की तरफ से निचली अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध करते हुए फव्वारा बताया, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की। ऐसे में सेशन कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मानते हुए इसे सील कर दिया गया। सेशन कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय नाखुश था। फिर क्या था, मुस्लिम समुदाय ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर यानी कि आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। अब फैसले को लेकर वाराणसी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में धर्मगुरुओं से बातचीत करने को कहा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले पर आज फैसला आना है, उसको लेकर वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। हम आपको बता दें, आज ही वो ऐतिहासिक दिन है और न्यायालय परिसर के हम बाहर खड़े हैं। देख सकते हैं किस तरीके से न्यायालय परिसर में के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आने जाने वालों की पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि वकीलों को भी बकायदा चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। पुरुष के साथ साथ महिला की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है और तमाम अधिकारी गश्त दिखाई दे रहे हैं। ये अपराध मुख्यालय एसी जो पुलिस कमिश्नर हैं वो जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आज जिस तरीके से ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला आना है, उसको लेकर के वाराणसी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। संवेदनशील एरियों पे लगातार गश्त की जा रही है, नज़र बनाए हुए हैं मंदिर और मस्जिदों की तरफ। काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरीके से जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के एहतियात बढ़ा दिए गए। तो कुल मिलाकर के आज जितने रोडवेज बस हैं, बस स्टॉप हैं, उन सभी जगहों पर, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी बढ़ा दी गई है और तमाम उच्च अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद पर और मां श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई होगी और फैसला आएगा, राखी सिंह समेत जो 5 महिलाओं ने यहाँ पर याचिका दायर की थी कि वो सुनवाई योग्य है कि नहीं है, काशी सहित देश दुनिया की निगाहें जो है आज जिला जज के न्यायालय के उस फैसले को पे का इंतजार बेसब्री से कर रही है कि फैसला हिंदू पक्ष में आएगा या मुस्लिम पक्ष में आएगा, ये दोपहर 2 बजे के बाद पता चलेगा। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।
आज का दिन बेहद अहम और खास भी है। फैसला क्या आता है इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। यकीनन फैसला जिस भी समुदाय के पक्ष में आए, उम्मीद यही करते हैं कि राज्य में शांति बनी रहेगी।